नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी में मौसम में बदलाव के बाद कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। भोपाल में कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे स्कूल खुलेंगे तो सागर में कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। दरअसल कुछ जिलों में बूंदाबांदी के बाद अचानक से ठंड बढ़ गई है, इसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव कर दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, ठंड की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया। कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे और ठीक इसी तरह प्राइमरी क्लासेस की अगर हम बातें करें तो खास तौर पर प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए फैसला लिया गया है। स्कूलों को 9 बजे खोला जाएगा प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे में कोई परेशानी ना हो बच्चों को, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इसी वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। बदला मौसम, परेशानी बढ़ी, अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ पर स्कूलों के टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं, स्कूल के टाइम बदल दिए गए हैं। ठंड की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया है, स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। अब उन बच्चों के लिए ध्यान देने वाली बात, जो बच्चे सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और स्कूल पहुंचने के टाइम की बात करें तो 7 बजे तक, जिसकी वजह से सुबह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम रहती है, लेकिन अब उन्हीं बच्चों के लिए ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया। ठंड की वजह से टाइमिंग में बदलाव कर दिए गए हैं, 9 बजे का टाइम रखा गया है सुबह जब स्कूल खुलेंगे। तो ठंड की वजह से प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब अलाउंस का सहारा भी लेना पड़ रहा है। वासु चौरे और मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु की ओर। वासु, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है, कोहरे की वजह से यहाँ पर लोगों को क्या परेशानियां होती हैं? आप अगर स्कूल में हैं तो जरूर उनसे पूछिएगा कि क्या उन्हें पता है कि 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। वासु, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल अंशिका, मैं सुन पा रहा हूँ। एक बार फिर से प्लीज अपना सवाल आप दोहराइए। वासु, इस वक्त आप स्कूल में ही मौजूद हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए बच्चों से बात करिए कि क्या उन्हें पता है अब 9 बजे से स्कूलों को खोला जाएगा ठंड को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए कल ये आदेश जो है वो भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किया गया कि ठंड और मौसम में हो रही तब्दीली को लेकर बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं वो चेंज की गई हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी सहूलियत से स्कूल पहुंच सकें। और अब 9 बजे से जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, 9 बजे से स्कूल का टाइम चेंज कर दिया। ठंड पिछले एक दो दिनों में ज्यादा पड़ी है, थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिल रही है इससे? हाँ बिल्कुल मिल रही है, क्या हम लोग घर से दूर से आते हैं बसों से, तो थोड़ा सुबह उठने में दिक्कत आती है और रास्ते में भी बहुत दिक्कत आती है वैसे तो। तो स्वेटर तो नहीं पहनी, स्वेटर वगैरह पहनी है? अंदर इनर पहनी हुई है, इनर पहन के आए हैं। अच्छा, तो टाइमिंग सब बढ़ा दिए गए हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ने वाली है, तो स्कूल की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है? बिल्कुल दिए गए, टाइम भी लेट किया गया है, उधर छुट्टी का टाइम बढ़ा के इधर असेंबली का टाइम भी आगे किया गया है, तो उससे सुविधा हुई है हम लोगों को। जब ये सुबह 6 बजे आते थे वासु, तो इन्हें क्या परेशानी होती थी ये भी इनसे पूछिए, और अमूमन ठंड के समय में बच्चे किन परेशानी से जूझते हैं, समय के बदलने के बाद अब क्या परिवर्तन आएगा ये भी पूछेगा। यस सर, मतलब छुट्टी लेट होती है तो थोड़ा घर पहुंचने में भी लेट हो जाता है, और वैसे अभी जो टाइम लेट हो गया है आने का, तो उससे क्या है हमें थोड़ा मतलब ज्यादा फायदा हो गया है, कि क्या है मैं तो थोड़ा दूर से आता हूँ तो मुझे 2 बस बदलनी होती है, तो उसमें क्या है थोड़ा बस में मतलब आने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब थोड़ी मतलब सही है।
आने में दिक्कत नहीं होती है। तो अंशिका देखिए, ये जो बच्चे हैं ये थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं कि इन्हें अब आने जाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अर्ली मॉर्निंग उठकर स्कूल पहुंचना होता था, तो अब ये थोड़ा आराम से अपने घरों से निकल सकेंगे। और चूंकि बच्चे दूर से भी आते हैं, ट्रेवल भी करके आते हैं, तो उसमें भी इनको आसानी होगी, क्योंकि ये अमूमन देखा जाता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी शुरू होने में ठंड के समय में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसके चलते बच्चों को बस जो है वो नहीं मिल पाती। तो ये जो स्कूल टाइमिंग सब लेट किए गए हैं, इससे उनको ये भी जो फायदा है वो होगा। और स्कूल की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग ठंड के हिसाब से अपना ध्यान रखिए, जो स्वेटर्स हैं, जो ब्लेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अनिवार्य इस दौरान कर दिए गए हैं। विंटर ड्रेसेस भी होते हैं स्कूल के अपने, और वही अब शुरू हो जाते हैं, एक समय के बाद से अनिवार्य हो जाता है हर बच्चे को स्वेटर पहनना, जैकेट पहनना, और ये बहुत जरूरी भी है बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल जो रखना है। लेकिन एक बार वास्तु आप मौसम भी दिखाइए कि कैसा मौसम अभी वहां पर है, और क्या यहाँ पर कोहरा भी छाया हुआ है? आप स्कूल के पास ही क्योंकि मौजूद हैं, अगर आप दिखा सकते हैं तो। अब बिल्कुल देखिए, मैं राजधानी भोपाल का आपको सूरत हाल बता दूं। लगातार बीते अगर 48 घंटे की बात की जाए तो बादल यहां पर छाए हुए हैं, चूंकि अब थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, 9 करीब बज रहे हैं, तो इसलिए अब विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। सुबह के समय अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो कोहरा और जो धुंध है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं छाया हुआ था, जिसके चलते विजिबिलिटी भी थोड़ी कम थी। धीरे धीरे अब मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो बादल है वो यहां पर बने हुए हैं, और इसके पीछे साफ तौर पर वजह यही बताई जा रही है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, जिसके चलते भोपाल समेत मध्यप्रदेश के कई इलाकों में जो बारिश है वो हो रही है, और यही वजह है कि यहां पर भी आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बादल छाए हुए अभी भी दिख रहे हैं, और सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सूर्य देवता के जो दर्शन है वो नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि टेम्परेचर में भी लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो इसी तरीके का मौसम जो है। आपके पास आएंगे मिथिलेश भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं। मिथिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, और एक बार यहां का मौसम भी जरूर दिखाइएगा कि क्या कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर स्कूल में मौजूद हूं, और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहां बच्चों की क्लास लगती है, लेकिन आज अभी तक जो दरवाजा है बच्चों का ये आपको भी बंद नजर आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी स्कूल नहीं पहुंचे, क्योंकि समय में बदलाव कर दिया गया। इंदौर कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया उसमें लिखा हुआ है कि नर्सरी से लेकर पांचवी क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका जो समय है वो 9 बजे के बाद का होगा। शायद वो समय 9:30 बजे का भी हो सकता है, 10 बजे का भी हो सकता है, वो स्कूल पर निर्भर करता है, लेकिन स्कूल का जो टाइमिंग है वो 9 बजे के बाद का होगा। इस निर्देश के बाद में अब तमाम जगह पर जो स्कूल का टाइमिंग है वो बदल चुके हैं, और ये तस्वीर में हम आपको ऐसे ही एक शासकीय विद्यालय की दिखा रहे हैं। अब अगर मौसम की अगर बात की जाए तो इंदौर में जो मौसम है वो एक तस्वीर में आपको मौसम की दिखाता हूं। सुबह काफी कोहरा था, धुंध था, धीरे धीरे जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, यानी जो सुबह ज्यादा कोहरा था वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, मौसम जो है अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन इंदौर में जो मौसम है वो तेज हवाओं का है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो चल रही है, और मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा मौसम, हालांकि कई लोग ऐसे मौसम को चाय पकौड़ी वाला मौसम भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि जब ठंड बढ़ जाती है तो ये परेशानी में भी गिनी जाती है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मौसम दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या फैसला प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर लिया गया है। मौसम की हम बात कर रहे हैं तो एमपी में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का तापमान और गिरेगा। मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा भी सक्रिय होगा, इससे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश जारी रहेगी। सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभाग में दिन का तापमान और भी ज्यादा गिर जाएगा। इसके अलावा इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, पन्ना, सागर, भोपाल में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। तो तमाम जगहों पर कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में यहां पर बारिश और ओले गिरने का जो दौर है वो हम देखेंगे। बात बारिश की हो रही है तो बारिश से इंदौर में मुसीबत है। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सामने बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ होने से फिसलन हो गई है। कई लोग गाड़ियों के साथ गिर रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहे तस्वीर कैसे अब फिसलन की वजह से लोग गाड़ी से गिर जा रहे हैं। अब एक तरफ जहां बारिश लोगों के लिए
सुहाना मौसम में गिरी जाती है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए आफत भी है, क्योंकि देखिए फिसलन होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वालों को होती है और ऐसे में इंदौर की सड़कों पर वाहन सवार लोग फिसलते रहे क्योंकि काफी ज्यादा फिसलन देखने को मिली है। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है और एक चुनौती है यहां निगम के लिए भी। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भी मौसम सर्द हो गया है और रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार का दिन का तापमान 24.9 डिग्री रहा तो वहीं आज सुबह अंचल में कोहरा का असर भी देखने को मिल रहा है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस वक्त कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, लेकिन कुछ तो ऐसे भी जिले हैं जहां पर दिल्ली से ज्यादा सर्दी अभी से ही दस्तक दे चुकी है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि ग्वालियर में आप देखिए तापमान, दिन का तापमान ही 24 डिग्री था और रात का तापमान तो 15 के नीचे लगभग 11-14 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम सर्द भरा है और रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है और नवंबर का महीना खत्म ही होने वाला है कि धीरे धीरे सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ग्वालियर, इंदौर और भोपाल की तो तस्वीर आपने देखी ली, लेकिन अगर मालवा में भी सर्द हवाओं के साथ सुबह से घना कोहरा छाया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और लोगों को हाईवे पर लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। हेडलाइट जलाकर आप देख सकते हैं लोगों को गाड़ी चलाते हुए, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अमूमन नेशनल हाईवे पर हम देखते हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक दूसरे में गाड़ियां टकरा जाती हैं, बैक टू बैक कई गाड़ियां टकरा जाती हैं, क्योंकि सिर्फ विजिबिलिटी नहीं होती और ये पता नहीं चलता कि आगे भी कोई गाड़ी है, टक्कर हो जाती है, हादसा हम देखते। लेकिन अब जो लोग हैं वो हेडलाइट जलाकर हादसे से बचने के लिए, सुबह सुबह की घना कोहरा छाया हुआ है इसलिए हेडलाइट जलाकर सड़कों पर रफ्तार भर रहे हैं। तो शाहजापुर में भी सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी घट गई और तापमान में गिरावट के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। शाहजापुर में आज भी मौसम सर्द बना हुआ है और पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी काफी कम हुई है और जिसके चलते सुबह के वक्त जो वाहन सड़कों पर थे उन्हें हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा है। हालांकि आंशिक तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि जैसे जैसे आसमान साफ होगा पारा और नीचे गिरेगा और कड़कड़ाती ठंड देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड से राहत मिलती दिख नहीं रही और आने वाले समय में ठंड और ज्यादा पड़ेगी। सुनील हंसोरिया, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। अशोकनगर में भी सर्दी का पहला कोहरा देखने को मिला। सुबह 4 बजे घने कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना से बचने के लिए लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जिले का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीर आप अशोकनगर की देख रहे हैं। यहाँ पर लोग हादसे से बचने के लिए सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ी की चल रहे हैं और 17 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। कोहरे की आगोश में पूरा अशोकनगर नजर आ रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी क्योंकि कम हो गई है इसलिए भी जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए परेशानी है। तो कुल मिलाकर नवंबर के खत्म होते होते प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर तक तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। अंबिकापुर में बारिश के बाद से सर्दी बढ़ गई है। यहां पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक दर्ज किया गया, जिससे खास तौर पर यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बिलासपुर में रात में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ये दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर
आपको दिखा रहे हैं, एक तो अंबिकापुर की और दूसरी बिलासपुर की दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर ठंड ने दस्तक दे दी है, लोग स्वेटर में नजर आ रहे हैं, स्कार्फ लगाए हुए हैं, कुछ ने तो मफलर पहना है और जैकेट्स में लोग अब नजर आ रहे हैं आपको। और देखिए अलाव का सहारा लेते हुए अंबिकापुर में, तो बिलासपुर में विजिबिलिटी क्योंकि कम है घने कोहरे की वजह से, आगोश में इस कोहरे ने पूरे शहर को ले लिया है। और बिलासपुर में अब लोग हेडलाइट जलाकर सुबह 5 बजे भी, 6 बजे भी, 7 बजे तक भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं गाड़ी चलाने के समय। अलाव का सहारा, और अलाव के बिना लोग अपने आप को और कैसे बचाएं। हालांकि सबने विंटर ड्रेसेस तो पहन रखे हैं, बावजूद इसके अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दमोह की करेंगे, जहां बड़ी खबर आ रही है दूषित भाजी खाने से लोग बीमार हो गए हैं। चने की सब्जी खाने से 7 लोग बीमार हो गए हैं, 3 महिलाएं 3 बच्चों सहित कुल 7 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के 7 लोग जो बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। तेजगढ़ थाना क्षेत्र के परासई गांव के रहने वाले ये पीड़ित लोग हैं और इन्होंने जैसे ही दूषित भाजी खाए वैसे ही बीमार पड़ गए। परासई गांव की ये पूरी घटना है। आशीष जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आखिर ये चने की भाजी कहां की इन्होंने खाई कि सबके सब बीमार पड़ गए? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत परासई गांव का मामला है, जहां पर एक परिवार के द्वारा स्वयं ही खेत से चने की भाजी लाई गई थी। और चने की भाजी को लाए जाने के बाद न उसे धोया गया और उसके बाद उस भाजी को बनाया गया। 7 लोगों के द्वारा उस भाजी का सेवन किया गया, जिसमें 3 महिलाएं 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल था। भाजी खाने के 1 घंटे के पश्चात इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद जब तेजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों से हमने बात की तो उनका कहना था कि इनकी हालत ठीक अब हो गई है, क्योंकि उनका इलाज किया है और देर रात का ही मामला है, रात के वक्त का इन्होंने भोजन खाया था। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ठंड का मौसम है और ऐसे में मेथी और चने की भाजी का लोग न केवल सेवन करते हैं बल्कि बड़ी मात्रा में इसका सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लापरवाही भाजी को धोने इत्यादि में हुई, क्योंकि भाजी या चने के पेड़ या मेथी को उगाने के मामले में पेस्टिसाइड कर वगैरह का दबाव का छिड़काव किया जाता है, लेकिन यदि उसको प्रॉपर तरीके से ना धोया जाए तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, फिर भी लोग चेतते नहीं और यही हुआ कि भाजी को बिना धोए पकाने की वजह से यह उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और इसी वजह से इनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है आशीष, क्या सब ठीक है, सब खतरे के बाहर है? निश्चित ही सारे लोग खतरे के बाहर हैं। डॉक्टरों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, उनको इलाज किया जा रहा है और जल्दी सब स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं या आप अगर कोई भी सब्जी लेते हैं तो पहले उसको अच्छे से धो लीजिए, वरना जो मौजूद पेस्टिसाइड्स और तमाम केमिकल्स होते हैं वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बिजली विभाग और नगर निगम में ठनी का मामला सामने आया है और बिजली विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया। 65 लाख रुपए की बकाया राशि जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटा गया। तो दूसरी तरफ निगम अफसरों और बिजली कंपनी के जीएम के घर रात में जेसीबी भेज दी गई। जीएम नितिन मांगलिक के घर जेसीबी भेजी गई है, घर के बाहर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जेसीबी भेजी गई। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़कर विवाद खत्म किया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि अब ये विवाद खत्म हो चुका है जो विवाद शुरू हुआ था। और चलिए एक नजर अब खबरों के 2020 पर।